स्पाइडर नोटबुक। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि स्पाइडर नोटबुक को कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले तो अगर आप इसको खोलेंगे तो आपके पास तीन विंडो दिखेंगी। पहले तो एक लेफ्ट में है, फिर दो राइट में। हो सकता है जब आप नया इंस्टॉल करें तो थोड़ा सा अलग दिखे, ये मैंने अपने हिसाब से सेट किया हुआ है, तो थोड़ा सा विंडो इधर उधर हो सकती है आपकी, तो वो आप एक बार करके देख लीजिएगा। एक में आपको टाइप करते हैं, ये जो लेफ्ट वाली है इसमें आपका टाइप होता है, फिर राइट में जो ऊपर वाली है इसमें आपका फाइल एक्सप्लोरर को अगर आप क्लिक करेंगे तो बता देगा किस डायरेक्टरी में है, उसकी फाइल्स क्या हैं, और वेरिएबल वो होता है जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या क्या वेरिएबल होते हैं उसको वो दिखा देता है। और एक हेल्प विंडो होती है, यहाँ पर आप जो भी लाइब्रेरी से रिलेटेड टाइप करेंगे, अगर डॉक्यूमेंटेशन उसका लोडेड होगा तो आपको दिखा देगा। अब ये आती है कि ये वाली विंडो क्या है जो ये दिखा रहा है। सबसे पहली बात तो कि जब आप ये कोर्स कर रहे होंगे तो मैंने रिसोर्सेज की यानी कोड की और डेटा सेट कहीं पर आपका अटैच कर दिया होगा, तो जब आप उसको डाउनलोड करेंगे किसी भी फोल्डर में रखते हैं तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हो सकता है कि आपका कोड डायरेक्टली ना चले, तो उसमें सिर्फ दिक्कत होगी पाथ की। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर आपको किसी डायरेक्टरी में जाना है, आपने कहीं भी वो फाइल्स कॉपी कर दी हैं, अब सबसे पहले तो आपको उस डायरेक्टरी में होना चाहिए, तो आप ब्राउज का ये बटन दबा करके आप नेविगेट करके उस डायरेक्टरी में सबसे पहले चले जाइए। तो जैसे कि मेरी जो ये फाइल्स है जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन डॉट पी वाई लिखा है, ये जो फाइल है वो इस फोल्डर में है, तो मैं इस फोल्डर में आ गया, और इसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी हिस्ट्री है वो भी दिखा देगा, तो आप हिस्ट्री से भी जा सकते हैं, अगर पहले आप उस फोल्डर में जा चुके हैं तो वो भी दिखा देता है। तो डायरेक्टली ब्राउज ना कर करके आप डायरेक्टली हिस्ट्री को यूज करके भी जा सकते हैं। जैसे आप इस डायरेक्टरी में जाएंगे तो ये फाइल्स दिखा देगा, जैसे कि मान लीजिए कि मैं किसी दूसरी डायरेक्टरी में हूँ, अब मुझे जिसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसमें जाना है, तो मैं इसमें हिस्ट्री में क्लिक करूंगा, मुझे पता है क्लासिफिकेशन इसके अंदर है, तो मैं इसमें चला गया। अब इसमें ये फाइल्स मुझे दिख रही हैं, एक डाटा डायरेक्टरी है और उसके बाद एक पीवाई फाइल है और दो सीएसवी फाइल हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए कि मैं इसको सबसे पहले इसको सबसे एक मिनट एक बटन आप यहाँ देख लीजिए, और जो ये थर्ड विंडो है ये आपकी एक तरीके से कंसोल है, आप जो भी कुछ रन करेंगे सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे ये आइकन दबाएंगे सेटिंग टैब का जो है और रीस्टार्ट कर्नल करेंगे तो कैश में जो भी इसने रन करके जो स्टोर किया वो सब क्लियर कर देता है। तो अब आपका देखिए प्रॉम्प्ट आ गया। अब आप क्या करिए, समझिए कि मैं इसको इतना अच्छा, इसमें एक फीचर और है, अगर आप ये वाला बटन दबाएंगे, अगर आप देख सकते हैं मेरे कर्सर को, इसको आप दबाएंगे तो ये पूरी फाइल एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये रन सेलेक्शन और रन सेलेक्शन आ रहा है ना, और करंट लाइन F9 इसको दबाएंगे तो जो लाइन आपने सेलेक्ट की होगी वही रन करेगी। तो मान लीजिए मैं ये तीन लाइन बस रन करना चाहता हूँ, तो इनको मैंने सेलेक्ट किया और ये दबा दिया, तो इससे क्या हुआ, मेरा डेटा सेट इंपोर्ट हो गया, मुझे कोई एरर नहीं आई। तो देखिए अब मैं वेरिएबल एक्सप्लोरर में जाऊंगा तो मैं डेटा सेट को आराम से देख सकता हूँ इस तरीके से है। ठीक है, अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और एक और एग्जांपल देता हूँ, फाइल एक्सप्लोरर। अब देखिए डेटा के अंदर एक फाइल है tennis.csv। अब देखिए मैं tennis.csv को इंपोर्ट करता हूँ, और पहले तो मैं जो डेटा सेट में आया एक बार कर्नल रीस्टार्ट और कर देता हूँ, ताकि जो मैंने प्रीवियस जो आपका स्टोर किया था डेटा सेट में वो हट जाए। अब आप वेरिएबल एक्सप्लोरर में जाएंगे तो वो नहीं दिखेगा आपको। अब आप वापस फाइल एक्सप्लोरर में आइए और इसको एग्जीक्यूट करिए, तो अब आपको एरर आएगी, tennis.csv doesn't exist। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो आपकी ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन डॉट पाई फाइल है, आप देखेंगे तो ये करंट डायरेक्टरी दिखा रहा है जिसमें सिर्फ दो csv फाइल है, जिसमें से tennis.csv कहीं भी नहीं है। tennis.csv फाइल जो है वो डेटा डायरेक्टरी के अंदर है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर पाथ ऐसे देना होगा, डेटा स्लैश, इस तरीके का स्लैश आपको देना होगा, तो आपका ये प्रॉपर पाथ होगा फाइल तक के लिए। अब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए अब एग्जीक्यूट हो गया। अब आप वेरिएबल एक्सप्लोरर में जाएंगे तो ये डेटा सेट आपका आ गया। देखिए इस तरीके से
इस चीज को ध्यान देने वाली बहुत बात है। बहुत लोग गलती करते हैं कि वो सही जगह फाइल कॉपी नहीं करते हैं और फिर दिक्कत होती है उनको कोड रन करने में। तो मैं जो भी फाइल पेस्ट करूंगा वो मैं अपने सिस्टम के हिसाब से कोड होगा। आप जिस तरीके से कॉपी करते हो अपने सिस्टम पे, ये उस पर डिपेंड करता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक या दो बार यूज करने के बाद आप बहुत, अगर आप नए हो तो एक या दो बार यूज करने के बाद आप अपने आप कंफर्टेबल हो जाओगे। तो जब भी आप कोई भी कोड शुरू करो तो सबसे पहले आप डेटा सेट के इम्पोर्ट तक की लाइन रन करके देखिए कि सबसे पहली बात है कि आपका डेटा सेट सही से इम्पोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो या तो सिंटेक्स में गड़बड़ी है या फिर जो फुल पाथ दिया गया है उसका, उसमें गड़बड़ी है। तो इस सेक्शन में हमने सीखा बहुत थोड़ा सा कि किस तरीके से बेसिक स्टेप्स स्पाइडर नोटबुक को यूज करने के। अगले सेक्शन में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।